हमारे शो का फॉर्मेट ऐसा है कि जो वाकई में अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो हमें चुनते हैं, क्योंकि जैसे बहुत अच्छी आवाज़ होती है तो तीनों ही बजट दब जाते हैं, तो उसके बाद जो उनकी चॉइस होती है, तो मैं लकी हूँ कि कुछ उनमें से कुछ एक आध अच्छे बच्चे ने मुझे भी चुना ली। और आई थिंक बच्चे जहाँ से भी शुरू करते हैं वो शुरुआत की पॉइंट होती हैं, जहाँ उनमें ऑफकोर्स वो नेचुरल टैलेंट है और उनमें वो एक सदी हुई आवाज़ है लगता है, लेकिन यहाँ आने के बाद जो ट्रेनिंग शुरू होती है, यहाँ आने के बाद जो उनकी एक डिसिप्लिनड एक अप्रोच होती है किस तरह से इस गाने को परफॉर्मेंस को और बेहतर करें, तो उससे जो जो बच्चे ज़्यादा उससे अपनी इम्प्रूवमेंट दिखाते हैं वही आगे जाकर शो जीतते हैं। तो ये तो शुरुआत जो आपने देखा कि हम अच्छे अच्छे बच्चों को चुन रहे हैं, अगर बच्चे हमें चुन रहे हैं, लेकिन ये शुरुआत है और आगे आगे यू कांट टेल के जो शायद बहुत ही एवरेज कंटेस्टेंट या पार्टिसिपेंट हो वही जीत जाए, क्योंकि उसकी जो हर एपिसोड दर एपिसोड बेहतर और बेहतर परफॉर्मेंस की वजह से लोगों में लगता है कि यार इसको जीतना चाहिए। कौन सी टीम आपको लग रहा है कि आपको टक्कर देगी, नीति या शिखर? नहीं, दोनों टीम में मुझे लगता है कि हमारी टीम से बेहतर आवाज़ें हैं, लेकिन अब जो जो कोच ज़्यादा मेहनत करेगा वही जीतेगी, और मेहनत के मामले में मैं थोड़े आगे हूँ। और बच्चों का क्या रिस्पॉन्स है, उनकी क्या मेहनत, किस तरह बहुत तैयारी? सारे बच्चे बहुत ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हैं, बैटल्स की वजह से बहुत सारे बच्चे नर्वस भी हो गए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ तो पहले ही लग रहा है कि यार ऐसी टीमिंग हुई है इन दोनों तोपों के बीच में मैं कैसे आगे आऊँगी, उस तरह की फीलिंग्स आई हैं। बट मैं बस यही कहना, ये उनको भी यही कह रहा हूँ और सबको यही कह रहा हूँ कि उस दिन जिसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा वही आगे जाएगा, फिर उससे पहले कोई भी प्लानिंग नहीं है कि ऐसा करते हैं कि इन तीनों में से मुझे ये चाहिए तो इनके साथ इसका करें। एक तो मुश्किल होता है ना कि सबको एक ही गाने में गवाना है, एक ही स्केल में गवाना है, तो उस हिसाब से ही हम लोगों ने टीम बनाई जो उस गाने को निभा सके, और फिर उसके बाद जिसकी परफॉर्मेंस बेटर वही आगे आएगी। हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? बस मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि वॉइस इंडिया किड्स इतनी पॉपुलर शो हुई है, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ जिनसे भी मिल रहा हूँ, अभी भी दही हंडी के लिए कुछ गाकर आ रहा था, वहाँ के भी बच्चे चिल्ला रहे वॉइस किड्स वॉइस किड्स, मतलब वाकई हर मतलब इट्स जस्ट बिकम सच अ पॉपुलर शो। हम लोग वॉइस जो फर्स्ट सीजन भी किए थे और इस बार भी कर रहे थे, लेकिन इस बार ये मानना पड़ेगा कि रिस्पॉन्स इज स्ट्रॉन्गर, बच्चों का कमाल है। थैंक यू सर। नहीं, जैसा शो है, मतलब मेरे लिए तो हर शो मेरे लिए एक समान ही रहते हैं, शायद ऑडियंस के लिए अलग तरीके से होगा, लेकिन आई ट्रीट एवरी शो एज माई शो एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट जो भी शो मैं करता हूँ कुछ ना कुछ यू नो सक्सेस रहता है, सक्सेस रेट रहती है। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू नो वॉइस किड्स इतने अच्छे अच्छे नंबर्स लेकर आ रहा है, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड दैट यू नो आई कुड बी अ पार्ट ऑफ इट। बच्चों के बारे में आपका क्या कहना है, बच्चे काफ़ी टैलेंटेड आए हैं, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? दे आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड, बहुत कमाल के, एंड दे आर मल्टी टैलेंटेड एक्चुअली, सिर्फ एक ही चीज़ पे उनका टैलेंट नहीं है, कोई यू नो ऐसे ऐसे चीज़ों में यू नो टैलेंट तू हासिल है फिर ही तो ऐसे ऐसी जगह पे यू नो इतने अच्छे अच्छे मल्टी टैलेंटेड बच्चे हैं यहाँ पर, कि उनको देखकर काफ़ी ऐसा लगता है कि काश हम भी यू नो अपने बचपन में थोड़ी सी मेहनत कर लिए होते थे तो आज कमाल होता था। और जजेस में आपके फेवरेट कौन हैं, किसको आप मतलब एज अ सपोर्ट? देखो, आप ये सबसे पूछने वाले हो और फिर मैं ये दिखाने भी वाले हो, वो भी ये इंटरव्यू देखेंगे और मैं किसी एक का नाम लूँगा और वो नाराज़ हो गए दूसरे तो अच्छा नहीं लगेगा ना तो इसलिए ऐसे मैं सवालों का जवाब ही नहीं देता जहाँ पर मैं फंस जाऊँ, मतलब आप तो वही है कि मेरे को सारे अच्छे लगते हैं। एंड मैम आपका क्या रहा है शो के बारे में? तेरे को जो भी अच्छा लगता है बोल दे, तेरे को थोड़ी शो में वो बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक शो हैज अ डिफरेंट फ्लेवर ऑल टुगेदर एंड किड्स आर सुपर टैलेंटेड एंड इट्स गॉट अ सोल, इट्स गॉट अ सोल इन द शो एंड दैट रियली कनेक्ट्स, म्यूजिक एक्चुअली कनेक्ट्स एवरीवन। सो नहीं हूँ और ये एक शो है जो जय घर पे भी नहीं रहता तो भी मैं देखती हूँ रिपीट, ये एंड में से वो मेरा चेक देखती है कि कितने का आ रहा है, ये पहला शो का जो देख रही है। ओके, द वॉइस किड्स हाईएस्ट टीआरपी ऑन एंड टीवी, टाइम टू यू नो सेलिब्रेट, टाइम टू हैव फन एंड बहुत मजा करेंगे और एंजॉय करेंगे। यस, सो वी आर हियर एट एनिमल्स ऑफिस, an entire team is here aur I think it's a teamwork, so we are celebrating together, we are really happy aur ab hamare battles round chal rahe hain, we have finished the audition, so we are super excited and thank you all of you, all the audience love for loving the show,
kids are amazing, so keep supporting them. बच्चों के लिए कुछ दो बातें बोलती हैं वो सारे बच्चों के लिए जो हमारे वॉइस किड्स इंडिया के बच्चे तो बहुत ज़बरदस्त हैं और हमें बहुत हम वेरी वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट देम को मिलने का मौका मिला उनसे गाने सुनने का मौका मिला और उनसे बहुत सारी चीज़ भी हमने सीखी है तो थैंक यू सो मच फॉर बींग अ पार्ट ऑफ द वॉइस किड्स थैंक यू Thank you.